स्वागत है सभी का। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सुनने टू इन्फिनिटी पर। डियर, मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर और सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। ठीक है, तो आज आपका जो टॉपिक है वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट वाला, और इसमें पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 इसमें आपके ट्रेन और सन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूँ, और आपके एग्जाम के थ्रू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये एग्जाम आपके एग्जाम में आपको देखने को भी मिले होंगे, ओल्ड पेपर आपने उठाए होंगे तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, डियर पहली क्लास आप देख लेना, डायरेक्शन का सारा मैटर उसी के अंदर है। ठीक है, अगर डायरेक्शन आपके समझ में आ गई है फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी, ठीक है, फर्स्ट क्लास, उसके अंदर पूरी डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन थे, और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके ये दोनों टॉपिक शामिल थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी उसमें कई क्वेश्चन आपको दिशा भी पूछ सकते थे, आपको दूरी भी कई क्वेश्चनों में पूछी गई थी, और दोनों भी आपको पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हमारा कोर्स एंगल से संबंधित क्वेश्चन बने हैं, वो भी हमने सोल्व किए हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, और समकोण पर आधारित जो हमारी सेकंड वीडियो थी, समकोण पर आधारित थी, यानी कि जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय पर आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी सोल्व किए थे हमने। ठीक है, आज आपका जो थर्ड पार्ट रहेगा, स्थानों व स्थिति रहेगी। ठीक है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और प्लस आपके पास जो सन से संबंधित क्वेश्चन है वो भी हम करने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास भी आपके लिए। तो आज शुरू करते हैं अपना जो सेशन है उसके बारे में। सबसे पहला काम जो मैंने आपको पहली स्टार्टिंग क्लास में भी बता दिया था, रेलगाड़ी के धुएं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, समझ लो आपकी उत्तर दिशा की ओर कोई रेलगाड़ी जा रही है इस तरफ, ठीक है, जा रही है, हवा रेलगाड़ी के समांतर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ये हवा है और वो किस तरफ जा रही है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर से हवा आ रही है हमारी और दक्षिण की तरफ हमारी हवा बह रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये कह रहा है चल रही है तो धुआं गाड़ी की किस तरफ जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है गाड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। अगर उत्तर की दिशा उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं आपका किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को बारे में। अब ये तो सबके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना इस दूसरे पैटर्न के अंदर है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, समझ लो आपके पास उत्तर दिशा की ओर इस तरफ रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, जा रही है, और हवा रेलगाड़ी के लंबवत, यानी कि आपके, यानी पश्चिम से हवा आ सकती है पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है, इस तरफ भी आ सकती है और पूर्व से भी हवा चल सकती है। ठीक है, लेकिन आप पहले पश्चिम से समझ लो, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है हवा हमारी इस तरफ है, ठीक है, यानी यहाँ से आपकी हवा आ रही है इस तरफ, ठीक है, पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा में पूर्व की तरफ आपकी हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है पूर्व की तरफ, ठीक है, चलो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा। अब आपके देखो सामने की तरफ तो ट्रेन जा रही है, हवा जस्ट इसके लंबवत गिर रही है, तो आपकी जो धुआं होगी वो जस्ट आपकी देखो ना तो पीछे जाएगी और ना ही इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो आपकी धुआं जाएगी इस तरफ, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, क्योंकि ना तो धुआं पीछे की तरफ जाएगी क्योंकि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, ठीक है, तो ना तो धुआं पीछे की तरफ, क्योंकि स्पीड से जा रही है ट्रेन तो धुआं पीछे की तरफ जानी चाहिए लेकिन नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आपकी धुआं किस तरफ होगी, आपको ध्यान में रखना है दक्षिण पूर्व आपकी धुआं जाएगी। ठीक है, अब मान लो कोई बात नहीं है, यहाँ आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है, मान लो उत्तर की तरफ आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है, उत्तर दिशा में कोई ट्रेन जा रही है, आपकी हवा का रुख है पूर्व से, पूर्व से किस तरफ जा रही है, पूर्व से आपकी जा रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपकी हवा चल रही है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर हवा आगे बढ़ रही है, ठीक है, इस तरफ, तो हमारी जो ट्रेन की धुआं है वो किस तरफ जाएगी, देखो अगर हवा उत्तर से दक्षिण की ओर होती तो पीछे की तरफ जाती, लेकिन हमारी पूर्व से है तो हमारी धुआं जाएगी, यानी जो आपकी स्मोक है वो किधर जाएगी, पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम आपकी जाएगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए हो तो ट्रेन के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दो तीन तरीके से आपके किस तरफ, दक्षिण की तरफ भी आपकी ट्रेन जा सकती है, ठीक है, तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। अगर दक्षिण की तरफ आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ,
हवा मान लो किस तरफ है, हवा पश्चिम से आपकी किस दिशा में है, पूर्व की ओर है, तो आप मुझे बताओ पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, तो आपकी धुआं किस तरफ जाएगी, आपकी धुआं जाएगी इस तरफ यानी कि उत्तर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। समझ गए होंगे, अब तो आप ट्रेन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर हवा चलती है तो आपकी इस तरफ जाएगी फिर, ठीक है, उत्तर पश्चिम की तरफ, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्शन मैंने फिर आपको यहाँ पर नोट कर दिए कि आप डायरेक्शन को ना भूलें, क्योंकि डायरेक्शन अगर भूल गए हो तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो फिर आगे मैं बताता हूँ आपको आगे की तरफ, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, दिशाओं के बारे में एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूँ कि स्थानों व स्थिति की आपके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा सुजाता का घर नीता के घर से पूर्व दिशा में है, ठीक है, तो नीता के घर से पूर्व दिशा में है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है नीता का घर, ठीक है, ये नीता का घर है, ठीक है, दो मिनट के लिए समझ लो ये नीता का घर है। नीता के घर से पूर्व दिशा किस तरफ है, पूर्व दिशा आपकी इस तरफ रहेगी, तो पूर्व दिशा के बाद में कर रहा है कि सुजाता का घर है पूर्व दिशा में, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है सुजाता। चलो आगे देखते हैं, रवि का घर, रवि का जो घर है नीता के घर के दक्षिण में है, नीता का दक्षिण किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, तो यहाँ पर किसका घर है, यहाँ पर है रवि का घर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तब रवि के घर से, रवि के घर के संदर्भ में सुजाता का घर किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, इजी है, कोई खास बात नहीं है। देखो यहाँ से रवि के घर से मुझे बताओ, रवि के घर से यानी कि रवि को आपको यहाँ पर लेना है, रवि का आपको यहाँ पर हो गया है पूर्व, ठीक है, इस दिशा में, इस दिशा में रवि का पश्चिम हो गया है, ये रवि का उत्तर हो गया है, ठीक है, और ये रवि का दक्षिण हो गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ सुजाता के बारे में पूछा गया है कि रवि के घर से किस दिशा में है, तो रवि के घर से आपको किस दिशा में नजर आई है ये बता दो मुझे, ठीक है, तो आपको नजर आया होगा उत्तर पूर्व दिशा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उत्तर पूर्व दिशा। बोलो समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं है, बस एक बार नॉर्मल पढ़ लीजिए, ठीक है, हर एक शब्द को ध्यान में रखना है, पर ये ध्यान में रखना है, यदि ए बी के दक्षिण में है, ठीक है, ए जो है बी के दक्षिण में है, ये मैंने बी बनाया है और इसका दक्षिण कर दिया है मैंने इस तरफ, ठीक है, और ए के दक्षिण में कौन है, ए दक्षिण में है, ठीक है, ये लाइन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, इफ ए साउथ ऑफ बी, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, सी बी के पूर्व में है, ठीक है, बी का पूर्व किस दिशा में है, ये रहा बी का पूर्व, ठीक है, इस दिशा में कौन है, सी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ए सी की किस दिशा में है, अब मुझे बताओ जो ए है वो सी की किस दिशा में है, सी की दिशा में बताना है, सी से बताना है, सी से किस दिशा में है, देखो सी के बारे में बताता हूँ, ये उत्तर दिशा हो जाएगी सी की, ठीक है, ये सी का पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक है, ये सी की पश्चिम दिशा हो जाएगी और ये सी की दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है, तो अब मुझे बताओ सी के ए किस दिशा में है, तो आपको बताना पड़ेगा दक्षिण पश्चिम, क्या राइट आंसर होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, आंसर कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम आपका बी करेक्ट आंसर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके पास देखो पांच मित्र है, एक बस्ती में रहते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, पांच मित्र है, पांचों एक बस्ती में रहते हैं, चलो क्या क्या किस दिशा में रहते हैं ये भी हमें पता लगाना है, ठीक है। इसने क्या कहा है, बी का घर ए के घर से पूर्व में है, यानी जो बी का घर है वो ए के पूर्व में है, ये बात कही गई है, ए के पूर्व में है किसका घर, बी का घर, ठीक है, ये मैंने बना दिया है, क्योंकि ए का पूर्व तो इसी दिशा में होगा ना, तो ए का पूर्व मैंने यहाँ पर बना दिया है, पूर्व में है, तथा सी के घर से उत्तर में है, यानी कि सी के घर से बी का घर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो अगर मैं सी को यहाँ बनाता हूँ तभी तो बी का घर उत्तर दिशा में होगा, ठीक है ना, तो बी के क्या है, यानी सी के घर के उत्तर दिशा में है बी का घर, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ए भी बी के लिए कह रहा है, ठीक है, तो सी किसके लिए कहेगा, सी भी बी के लिए कहेगा, ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करते हैं, सी का घर डी के सी का घर डी के घर के पश्चिम में है, अब मुझे बताओ डी आप कहाँ पर बनाओगे, ठीक है, ये कह रहा है डी के घर के पश्चिम में कौन है, सी है, ठीक है, डी के पश्चिम में है सी, ध्यान रखना, ना कि सी के घर के पश्चिम में,
ठीक है, तो आपको डी का पश्चिम कहां पर बनाओगे? डी के पश्चिम में है सी। अगर मैं डी को यहां पर बनाता हूं, 2 मिनट के लिए समझ लो, तो डी की पूर्व दिशा हो गई है ये, तो ठीक है, ये तो पूर्व दिशा हो गई है, लेकिन हमें किस दिशा में बनाना है? सी को पश्चिम दिशा में बनाना है। तो डी को अगर मैं यहां पर रखूंगा, ठीक है, तो डी का पश्चिम कौन सा हो गया? सी हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका गलत होगा, इस दिशा में आपको रखना पड़ेगा। ये आपके पास डायग्राम बना है, ठीक है। अब मैं आपको पूछा क्या गया है, डी का घर ए के घर से किस दिशा में है, यानी ए से आपको बताना है कि ए के किस दिशा में है डी, ठीक है, ए की किस दिशा में है डी, ये बताना है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, ये उत्तर है, ठीक है, ये आपका पश्चिम है, ये पूर्व है, और ये नीचे हो गया दक्षिण। अब मुझे बताओ ये बीच वाली लाइन जो है वो क्या दक्षिण पूर्व है क्या? ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व, ए आपका करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है 5 आपके पास गांव दिए हुए हैं। कितने गांव है मेरे साथी? 5 गांव है, पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, और एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है कि एस क्यू के पूर्व की ओर है। हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ना है। क्या कह रहा है कि एस क्यू के पूर्व दिशा में है, ठीक है, जो एस है क्यू की पूर्व दिशा में है, क्यू के पूर्व दिशा, तो मैं पहले क्यू बनाता हूँ और क्यू की पूर्व दिशा बना देता हूँ इस तरफ, ये क्यू की पूर्व दिशा है और इस तरफ कौन है? एस है। क्लियर है कि नहीं है? एस क्यू की पूर्व दिशा की ओर है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, पी एस के दक्षिण की ओर है, जो पी है वो एस के दक्षिण में है, एस का दक्षिण ये रहा, एस के दक्षिण में कौन है? पी है मेरे साथी, ये भी क्लियर है, यहां तक आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे पूछा गया है टी क्यू के उत्तर की ओर है, क्यू के उत्तर की ओर कौन है मेरे साथी? टी के, क्यू के उत्तर की ओर है टी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, उत्तर की ओर मैंने टी बना दिया है, ठीक है, और ये कह रहा है और आर पी के पश्चिम में है, जो आर है पी के पश्चिम में है, पी का पश्चिम कौन सा है? पी का पश्चिम ये रहा, है कि नहीं? पी के पश्चिम में कौन है? आर है, तो मैं यहाँ पर आर बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर के पश्चिम, सॉरी, पी के पश्चिम में कौन है? आर है, ठीक है, और पी की ओर है, ठीक है। आगे देखो, तब एस आर के सापेक्ष किस दिशा में है? चलो मुझे बताओ, जो एस है वो आर की किस दिशा में है, ठीक है, आपको किस दिशा में चूज करना है? एस से आपका आर किस दिशा में है ये बताना है, यही कहा गया ना, आर के सापेक्ष, तो बताओ किस दिशा में रहेगा, ठीक है। क्या पूछा है? आर के सापेक्ष पूछा है ना, तो आर से बतानी है, आर से आपका रिश्ता क्या है, आर से बताओ आर की किस दिशा में है एस, ठीक है, तो मुझे बताओ, ये आपका पास उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास कौन सी? पश्चिम दिशा, ये आपके पास पूर्व दिशा, ये आपके पास हो गई है दक्षिण दिशा। देखो कभी भी आप यहाँ पर कंफ्यूज होते हो कि किसके बारे में पूछा गया है, देखो के और से जिसके साथ लगा हो ना उसका ही जवाब आपको देना है, ध्यान रखना है, आर के सापेक्ष, तो आर से आपको जवाब देना है कि आर के सापेक्ष, आर से एस किस दिशा में है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व किस आंसर में है वही आपका सटीक जवाब होगा, सी आपका करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कहा गया है आप ही के लिए, ठीक है, पहले ध्यान से पढ़ो आगे जवाब दो। एम क्या कह रहा है? एम डी के पूर्व में है, डी के पूर्व में है, ये मैंने डी बनाया है, इसका पूर्व आपके पास इस तरफ एम है, क्लियर है। चलो अब एफ और डी के बारे में कहा गया है, डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में कौन है? एफ है, मैंने एफ बना दिया है, क्लियर है। अब आगे बात कर रहे हैं, एफ के पश्चिम में, एफ का पश्चिम किस दिशा है? इस दिशा में, एफ के पश्चिम में के है, चलो एफ के पश्चिम में के है, ठीक है। एम के सापेक्ष किस दिशा में है? जो एम है वो के सापेक्ष किस दिशा में है? के सापेक्ष बताना है, के सापेक्ष यानी के से आपको बताना है के से किस दिशा में है एम, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में आंसर, उत्तर पूर्व दिशा में आपका इसका भी आंसर सी होगा, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं आपको बताऊंगा सूर्य से संबंधित, ट्रेन से संबंधित, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको किस प्रकार पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, उमेश सायकाल के समय एक रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ा है मेरे साथी,
ठीक है, किस दिशा में खड़ा है, ये मान लो रेलगाड़ी है, ठीक है, 2 मिनट के लिए ये आपको रेलगाड़ी समझ लेनी है, ठीक है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। अब ये शाम का टाइम है, शाम का टाइम है तो आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना है सूर्य किस तरफ होगा। देखो शाम के लिए बोलते ही आपको समझ जाना है कि सूर्य का लोचा है कुछ ना कुछ, मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ हो तो समझ लेना सूर्य का लोचा है कुछ ना कुछ। ये आपके पास सन है, ठीक है, शाम की टाइम है, सन किस दिशा में रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है पीठ करके खड़ा है ट्रेन की तरफ, ठीक है, उसका मुंह सूरज की ओर है, ठीक है, उसका मुंह सूरज की ओर है, ट्रेन की ओर पीठ करके खड़ा है, इसका मुंह इस दिशा में है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ इस तरफ इसका मुंह है, सूरज इस तरफ है, ट्रेन के पीछे इसका पिछवाड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, सूरज की ओर है, यदि रेलगाड़ी का धुआं, यह मैंने यहाँ पर रेलगाड़ी कराया है, रेलगाड़ी का धुआं उमेश के बाई हाथ की ओर जा रहा है, ठीक है, ये तो इस तरफ तो आपका दायां हो जाएगा, ठीक है, और इस तरफ आपका बायां हो जाएगा, यानी कि रेलगाड़ी का धुआं किस तरफ है, मान लो रेलगाड़ी का धुआं आपके पास इस तरफ जा रहा है, समझ में आ गया होगा। रेलगाड़ी का धुआं पूर्व की सॉरी किस तरफ है, ये रहा आपके पास पूर्व की ओर। चलो 2 मिनट के लिए आगे देखते हैं, ठीक है, उमेश की बाई ओर जा रहा है, ठीक है, तो रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जा रही है, चलो हमारी मूवी रेलगाड़ी का किस दिशा में है ये भी बता दो, ठीक है, यहाँ पर तो पश्चिम है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ आपका दक्षिण है, तो आप रेलगाड़ी किस तरफ जा रही है, उत्तर की ओर, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ आपके देखो हवा के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, ठीक है, तो आपको जिस तरीके से ट्रेन जा रही है, हवा हमेशा पीछे की तरफ धुआं छोड़ती है, ठीक है, इस तरफ धुआं जा रही है, धुआं जाएगी मतलब ट्रेन आपकी उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं है। चलो चलो इससे कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है, समझ लेना दोस्तों, ठीक है, उत्तर की तरफ आपकी रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है, हवा का दिन है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, हवा इस तरफ से बह रही है, यानी ये आपकी पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा है, बताना मुझे, ठीक है, ये पश्चिम दिशा है, अब मुझे बताओ पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चल रही है, ठीक है, इस तरफ आपकी हवा बह रही है, ये मैं आपको पहले ही एक रूल बता दिया हूँ, वही रूल इसमें है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो रेलगाड़ी का धुआं देखो उत्तर की तरफ हो जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है तो धुआं देखो ना तो पूर्व की ओर जाएगी, ना पश्चिम की ओर, ना उत्तर की ओर, ना ही दक्षिण की ओर, किस तरफ जाएगी ट्रेन की धुआं, इस तरफ जाएगी, मतलब आपके पास रहेगा आंसर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व, और ऑप्शन में कहां पर आपके दक्षिण पूर्व है, ऑप्शन में आपके पास बी दिशा दिया गया है। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी होगी तो आप इसको आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग का टॉपिक ही देख लिया फिर आपको कोई से भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो उसका धुआं किस तरफ होगा। अब आप ऐसा रूल करने बैठ जाओगे कि ट्रेन किस तरफ जा रही है, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो आपका आंसर पहले सोचते ही यहाँ पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के धुआं नहीं होता है, इतना सा काम करना है, इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुबह चित्रसी और आर्यन एक दूसरे के सामने बैठा है, सुबह का वक्त है, ठीक है, आपको सभी को पता है सुबह का टाइम है, ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए एक बार दिशा बना देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है, ये रहा, मैं 2 मिनट के लिए कहता हूँ कि आपके पास सूर्य, आपके पास मॉर्निंग का टाइम है, सूर्य आपका पूर्व दिशा में होगा, ठीक है, यानी कि ईस्ट दिशा में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ईस्ट दिशा में आपका सूर्य होगा, ये आपके पास उत्तर की तरफ है, ये आपके पास दक्षिण दिशा है, ये आपके पास पश्चिम दिशा है, ठीक है, क्लियर है। आर्यन एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, यदि आर्यन की छाया चित्रसी के बाई ओर पड़ती है, ठीक है, अब मुझे बताओ, ठीक है, आर्यन की जो छाया है चित्रसी की बाई ओर पड़ती है, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं चित्रसी को यहां पर रखता हूं, चित्रसी और आर्यन को जस्ट इसके सामने के लिए बोला है तो मैंने आर्यन को यहां पर रख दिया है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी दिशाओं की, बस आमने सामने इनका मुंह होना चाहिए,
ठीक है। इसका मुंह आपके पास इस तरीके से होना चाहिए, आर्यन का मुंह तो आपके चित्रसी की ओर है, चित्रसी का मुंह आर्यन की ओर है, ठीक है, बाई ओर पड़ती है। आर्यन की जो छाया है, ठीक है, शेडो है, वो किस दिशा में पड़ेगी, जो चित्रसी है। अब चित्रसी की बाई ओर पड़ रही है, देखो चित्रसी का तो आपके पास दाया इस तरफ रहेगा, ये चित्रसी का दाया है और चित्रसी का बाया ये है कि नहीं है, ठीक है। तो इस दिशा में आपकी किसकी, आर्यन की छाया पड़ रही है इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में। अब मुझे बताओ, इस दिशा में जब आर्यन की छाया पड़ रही है, आपको पूछा क्या गया है, आर्यन किस दिशा के सम्मुख है, यानी किस दिशा में मुंह कर रखा है, ये बता दो, ठीक है। देखो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है ना वो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा, आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपका सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक सुबह है, एक सुबह दिया हुआ है, एक सुबह, यानी वही आपके पास डायग्राम रहेगा, क्वेश्चन उल्टा सुलटा पूछ सकता है, ठीक है, वही सूर्य यहाँ पर ईस्ट की तरफ है, ठीक है, उदय और विशाल एक दूसरे एक चौराहे पर खड़े हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक चौराहा है, यहाँ पर वो खड़े हैं दोनों, ठीक है, एक दूसरे के मुंह करके एक बात कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरफ मुंह कर रखा है, ये इस तरफ मुंह कर रखा है, ठीक है, दो मिनट के लिए, अभी हम पता लगा लेंगे। यदि विशाल का विशाल की परछाई उदय के बाई ओर है, किसकी परछाई बाई ओर है, उदय के बाई ओर, तो मैं उदय को यहाँ बना दू, उदय को यहाँ बना दू, तो उदय का बाई ओर ये रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा उदय का दाया ओर, ठीक है, और देखो उदय की बाई ओर पड़ रही है, किसकी परछाई पड़ रही है, विशाल की, ठीक है, मैंने यहाँ पर विशाल लिख दिया है, ठीक है, विशाल लिख दिया। अब विशाल की परछाई तो इस तरफ पड़ेगी क्योंकि बाई ओर बता रहा है ना, इसलिए, ठीक है, तो उदय का मुख किस दिशा में है, उदय का मुख किस दिशा में आपको नजर आया है, उत्तर दिशा में नजर आया होगा ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी समझने की बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बोलो इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वैसे मैंने आपको ये चीजें सिखा दी है ब्लड रिलेशन वाले में, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, एक डायग्राम बना लो, जो भी पूछे उसका आंसर दे दो, ठीक है। आपको देखो पहले तो इन चीजों को अप्लाई करना है, किस चीज के अंदर, इस चीज के अंदर, ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है, फिर आपको आंसर बताना है इनमें से सही कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला काम, पी आपके पास दिया हुआ है, डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है क्यू, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, चलो पी डिवाइड का दिया हुआ है क्यू, ठीक है, तो पहले इसको पढ़िए ध्यान से, ठीक है, यहां पर मैंने यहां पर पी लिखा है और यहां पर लिखा है क्यू, ठीक है, यहां पर भी मैंने पी और यहां पर क्यू लिखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्यू के उत्तर में है, कौन है क्यू के उत्तर में, क्यू के उत्तर में आपके पास, थोड़ा सा डायग्राम साइड में बना देते हैं जिससे आपको दिखने में आसानी रहे, यहां ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, चलो यहां पर इसने क्या कहा है कि जो पी है क्योंकि उत्तर दिशा में है, ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा के अंदर है, उत्तर में कहीं भी हो सकता है, ध्यान में रखना है, ठीक है, ये मैंने यहां पर पी बना दिया है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है भैया। आगे देखते हैं क्यू और आर के बीच में क्या संबंध है, क्यू और आर के बीच में इंटू का चिन्ह है, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्यू बनाया है और यहाँ पर बनाया है आर, यहाँ पर भी मैंने क्यू बनाया है, यहाँ पर आर। अब एक बार ध्यान से पढ़िए, क्यू आर के दक्षिण में है, ठीक है, जो क्यू है वो आर के दक्षिण में है। अब मुझे बताओ पी के ऊपर बनाए या एक बार यहाँ पर बना के देखते हैं आर को, क्योंकि आर यहाँ पर एक बार रख के देखते हैं होगा कि नहीं होगा, वो तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं, आर के दक्षिण में है क्यू, ठीक है, ऊपर भी हो सकता है पी के, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, दो प्रकार के डायग्राम बना लो जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है, क्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी पी हो सकता है और यहाँ पर भी क्यू हो सकता है, ठीक है, दो आपके पास इस प्रकार के डायग्राम है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं आर और एस के बीच में प्लस का चिन्ह है, आपको आर यहाँ पर लिखा है, एस यहाँ पर लिखा है, आर यहाँ पर, एस यहाँ पर, ठीक है। अब ये कह रहा है एस के पूर्व में है कौन, आर, एस के पूर्व में कौन है, आर है, ठीक है, एस के पूर्व में, तो एस मैंने यहाँ पर बनाया है और इसके पूर्व में आर है, बिल्कुल सही है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एस मान लो लिख दिया है, एस के पूर्व में कौन है, आर है, ठीक है, चलो यहाँ पर आर है ना,
एक मिनट, यहां पर है आर, ठीक है, ये मैंने यहां पर बना दिया है एस, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये मैंने यहां पर एस बना दिया है और इसके पूर्व में कौन है, आर है, क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे अंतिम वाला, एस जो दिया हुआ है, एस और माइनस टी दिया हुआ है, यहां पर मैंने लिख दिया एस और यहां पर टी, यहां पर एस और यहां पर टी, एक बार बोल के देखो, टी के पश्चिम में कौन है, एस है, टी के पश्चिम में कौन है मेरे साथी, टी के पश्चिम में कौन है, एस है, तो मैंने यहां पर टी के पश्चिम में किसको बना दिया है, टी के पश्चिम में मैंने एस को बना दिया है, ठीक है, यहां पर भी तो हो सकता है, तो मैं इसको यहां पर भी रख सकता हूं, टी के पश्चिम में है एस, बोलो क्लियर है कि नहीं है, दोनों डायग्राम आपके अप्लाई हो रही है। अब जो पूछा गया है उसके जवाब दीजिए, ठीक है, इसने क्या कहा है, क्यों एस के दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, क्या ये बात सत्य है क्या, क्यों एस के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, क्यों जो है एस के दक्षिण पूर्व में है क्या, बिल्कुल पहला आंसर एकदम सही है, ठीक है, जो क्यों है यहां पर भी देख लीजिए, एस के इस तरफ जाओगे तो आपके पास क्यों किस दिशा में नजर आया आपको, तो डियर आपके पास क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा, दोनों में ही आपका सटीक जवाब रहेगा, किसी भी पैटर्न से करो, दोनों आंसर, दोनों ही डायग्राम में आपका सटीक जवाब रहेगा, एक डायग्राम बना लोगे तो भी सही है। आगे देखते हैं, पी एस के दक्षिण पूर्व में है क्या, जो पी है एस के दक्षिण पूर्व में है क्या, दक्षिण पूर्व में नहीं है डियर, ये है आपके उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आंसर ये है, तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, ए आपका सटीक जवाब, ठीक है, अब आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि किस किस पैटर्न से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सन से संबंधित बता दिए हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखते हैं इसका आंसर आप क्या दोगे, सही सही जवाब देना है, ठीक है, देखो कोशिश करो बताने की, देखो सुरेश और महेश सुबह एक पार्क में टहलने गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, वहां एक दूसरे के सामने मुंह करके खड़े हुए हैं, ठीक है, किस कब गए हैं, सुबह के टाइम, सुबह के वक्त गए हैं तो वही काम रहेगा, सुबह के टाइम है, आपके पास सन इधर ही रहेगा, ईस्ट की तरफ ही, क्लियर है कि नहीं है, पार्क में टहलने गए, वहां एक दूसरे के सामने हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे के सामने मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, अब दोनों के बारे में अभी पता नहीं कि कहाँ पर कौन खड़ा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तब सुरेश की परछाई सुरेश की बाई ओर है, ठीक है, सुरेश की परछाई क्या है, सुरेश के बाई ओर है, जो सुरेश की परछाई है, अगर मैं सुरेश को यहाँ पर बनाता हूँ, सुरेश को यहाँ पर बनाता हूँ, तो सुरेश की परछाई सुरेश के किस तरफ है, बाई ओर है, अगर मैं इस तरफ बनाता हूँ, तो बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, बाई ओर ही है ना, इसकी शेडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपके पास शेडो है यहाँ पर, ठीक है, आगे तो फिर आपको ये पता चल गया होगा कि जब सुरेश की परछाई सुरेश के बाई ओर है, तो देखो इसी के सामने मुंह करके खड़ा है, दूसरा कौन खड़ा है, महेश, तो महेश ये रहा, ठीक है, महेश है, तो बताओ महेश की परछाई महेश के कौन सी तरफ होगी, तो महेश की परछाई महेश के कौन से तरफ होगी, ये बताओ, महेश का मुंह दक्षिण दिशा में है, जब महेश का मुंह दक्षिण दिशा में है, तो ये तो इसका हो गया दायां, ठीक है, ध्यान में रखना है, और ये हो गया इसका बायां, तो समझ में आ गया होगा कि महेश की परछाई महेश की किस तरफ है, दाई ओर है, बाई मत कर देना, ध्यान में रखना है, क्योंकि महेश का दाया किस तरफ रहेगा, पश्चिम दिशा में रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, दिशाओं की नॉलेज होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाई सी तरफ आपका बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा। अब तो किसी को भी गलती होने के चांस ही नहीं है, ना तो डायरेक्शन वाले में, ठीक है, ना सन वाले में, ना ही ट्रेन वाले में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाले भी बता दिए हैं, ठीक है, हर पैटर्न से मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। डियर अगर क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है, एक चीज और, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, ख्याल रखना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही लाइफ है, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय साथियों।